देखिए झलक का क्या है कि हमेशा बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं झलक से, बट यूनिवर्सली सबको ये अच्छा लगता है कि टेलीविजन और फिल्म की दुनिया के जाने माने जो सितारे होते हैं वो आ जाते हैं एंड दे बिकम कंटेस्टेंट्स, दे पार्ट ऑफ अ गेम और प्रेशर उन पे होता है और हमें वी जस्ट हैव टू लाइव बैक एंड एंजॉय इट। मनीष का सबसे ज़्यादा काम होता है क्योंकि हैज़ टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ देम। तो नया क्या होगा, हम नए हैं, वी कम विद न्यू एनर्जी, न्यू विगर, न्यू एंथुजियाज्म के साथ आए हैं। हमारे कंटेस्टेंट्स इस बार मैं कहना चाहूँगा कि द लास्ट 4 or 5 years आई फाइंड दिस बैच ऑफ कंटेस्टेंट्स सबसे अच्छे, वेरी स्ट्रॉन्ग डांसर्स हैं, बहुत ही होनहार डांसर्स हैं, मेहनती हैं एंड दे आर ऑल रियली रेडी टू चेंज द ग्राफ एज क्रिएटिव एनर्जीज। मैं सबको देखता हूँ, मैं सबके नाम जानता हूँ, क्या किया है उन्होंने, कौन से सीरियल में, सब सारे सीरियल कैरेक्टर्स। मेरी माँ की वजह से मैं सारा टीवी देखता हूँ, जब भी मैं उनके साथ वक्त बिताता हूँ, शाम का वक्त नॉर्मली होता है, रात का वक्त होता है और वो रिकॉर्ड भी करती हैं, तो मैं 1 या 2 बजे भी घर आ जाऊँ तो कोई रिकॉर्डिंग चल रहा है कि मैं जानता हूँ कि शक्ति कौन है, मैं जानता हूँ कि स्वरा किसने निभाया है, मैं जानता हूँ जब सारे नाम मेरे सामने आ गया ऐसे ये इस सीरियल में है, वो उस सीरियल में, मैं सबको जानता हूँ। डायरेक्ट टीवी सीरियल आई हैव नो प्रॉब्लम, आई वुड लव टू, इनफैक्ट मैं बहुत सोच रहा हूँ कि शायद मैं डिजिटल माध्यम में कुछ करूँ एंड आई फील उस माध्यम का असर तब पड़ेगा जब कुछ बड़ा उस पर बने, तो मैं बहुत चाहता हूँ कि डिजिटल माध्यम में कुछ डायरेक्ट करूँ एंड मे बी 1 साल या 2 साल के बाद ऐसा कुछ करूँगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई थिंक टेलीविजन इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम, इसलिए मैं टेलीविजन का हिस्सा हूँ, हमेशा रहा हूँ। मैं जो रीच इंडियन टेलीविजन और जनरली टेलीविजन की होती है That is just tremendous. घर घर पे जाती है और हर परिवार का हिस्सा बन जाती है and I'd love to be part of that movement.